हे दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल स्टॉक मार्केट इंडिया। आप अगर चैनल पर नया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना फॉर द जेन्युइन इन्फॉर्मेशन, और आपका कोई क्वेरीज है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। तो दोस्तों, आज है 3rd जुलाई 2022। कल 4th जुलाई मंडे से एक नया ट्रेडिंग वीक स्टार्ट होने जा रहा है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको रिकमेंड करूंगा कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट शेयर्स, कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट सेक्टर्स। जब कल बाजार ओपन होगा शार्प 9:15 पे, आपका कड़ी नज़र होना चाहिए ये सारे सेक्टर्स के ऊपर, ये सारे शेयर्स के ऊपर, और इसके पीछे प्रॉपर लॉजिक क्या है, प्रॉपर रीज़न क्या है, इस वीडियो में आगे हम डिस्कशन करेंगे। साथ ही साथ दोस्तों, ये शेयर में कुछ ना कुछ आपको जरूर देखने को मिलेगा, या तो बहुत ज़्यादा तेज़ी या तो बहुत ज़्यादा गिरावट। अब चलिए देख लेते हैं कि कौन कौन से शेयर, कौन सा मैं आपको रेकमेंड कर रहा हूँ कल नज़र रखने के लिए। अब देखिए, यहाँ पे आपके सामने मैं ओपन किया जो कि निफ्टी 50 का जो वेटेज है, तो ये लास्ट टाइम अपडेट हुआ था 30 जून 2022 को। तो हर महीने के दोस्तों एंड पे ये जो कि चेंजेस होता रहता है। तो आज अगर हम बात करें जो एकदम लेटेस्ट अपडेट के अनुसार निफ्टी 50 में जो टॉप 10 शेयर्स है, तो ये आपके सामने है। सबसे ज़्यादा वेटेज है रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड का, जिसका लगभग ऑलमोस्ट 13% का आसपास वेटेज है अकेले रिलायंस इंडस्ट्री का ही निफ्टी 50 के अंदर। उसके बाद HDFC बैंक लगभग 8.5% का आसपास वेटेज है, इन्फोसिस, ICICI बैंक, HDFC, TCS, कोटक महिंद्रा बैंक, ITC, HUL एंड लार्सन एंड टुब्रो। तो ये 10 शेयर दोस्तों बेसिकली निफ्टी 50 के टॉप 10 वेटेज वाला कंपनीज है। अब इसके ऊपर अब मैं आपको क्यों नज़र रखने के लिए बोल रहा हूँ, देखिए मार्केट अगर मूव करता है, चाहे वो नेगेटिवली चाहे वो पॉजिटिवली, ये 10 शेयर के अंदर दोस्तों आपको सबसे ज़्यादा गिरावट या तेज़ी देखने को मिलेगा, क्योंकि ये जो सारे वेटेज है इसको आप कैलकुलेट करके देख सकते हो, मोर देन 60% की वेटेज दोस्तों ये 10 शेयर में ही है, बाकी 40 शेयर में बाकी वेटेज है। तो जिस वजह से दोस्तों सबसे पहला जो आपका नज़र होना चाहिए निफ्टी 50 में आने वाला टॉप 10 वेटेज वाला कंपनीज के। नेक्स्ट अगर हम बात करें सेक्टरल वाइज, अगर हम बात करें तो निफ्टी 50 के अंदर सबसे ज़्यादा वेटेज है फाइनेंशियल सर्विस, यानी जिसके अंदर आपका बैंकिंग सेक्टर एंड उसके साथ साथ नॉन बैंकिंग NBFC ये इंक्लूड है, जिसके अंदर ऑलमोस्ट 35% का वेटेज है अकेले फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर। उसके बाद अगर हम बात करें IT सेक्टर के अंदर भी काफ़ी अच्छा वेटेज है, ऑलमोस्ट 16% के आसपास। तो डेफिनेटली दोस्तों ये दो सेक्टर्स जो है इसके ऊपर आपका कड़ी नज़र होना चाहिए कल की डेट पे, और उसके साथ साथ निफ्टी 50 में टॉप 10 वेटेज वाला कंपनीज को। दोस्तों ये तो हो गया निफ्टी 50 में आने वाला जो शेयर्स है, अभी हम बात करेंगे इंडिविजुअली जो शेयर्स यहाँ पे मैं आपको रेकमेंड करूँगा। तो देखिए सबसे पहले रिलायंस इंडस्ट्री, ऑब्वियसली अभी हमने देखा रिलायंस के अंदर सबसे ज़्यादा वेटेज है निफ्टी 50 का ऑलमोस्ट 13% के करीब। तो रिलायंस इंडस्ट्री के अंदर लास्ट डे हमने देखा था लगभग 7.5% के आसपास शेयर के अंदर हमें एकदम शार्पली क्रैश देखने को मिला, और इसके पीछे जो मेन रीज़न है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो ऑयल एक्सपोर्ट है उसके अंदर दोस्तों और ज़्यादा टैक्स ऐड किया। तो बेसिकली यहाँ पे इतना ज़्यादा चार्जेस वजह से जो रिलायंस इंडस्ट्री और उसके साथ साथ और भी एक दो कंपनीज है जिसके शेयर के अंदर काफ़ी अच्छा खासा गिरावट देखने को मिला। तो डेफिनेटली दोस्तों रिलायंस इंडस्ट्री के अंदर आगे भी बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि अगर हम बात करें न्यू मैनेज यहाँ पे कंपनी का जो बिजनेस है वो बहुत ही ज़्यादा वेल डाइवर्सिफाइड है, और उसके साथ साथ हमने देखा कि ये जो गिरावट की मौका है, तो जो यहाँ पे एनालिस्ट हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, लगातार रिलायंस इंडस्ट्री के अंदर बाइंग का रिकमेंडेशन दिया। तो दोस्तों कल जब बाजार ओपन होगा आपका कड़ी नज़र होना चाहिए रिलायंस इंडस्ट्री के शेयर के ऊपर। तो इस वीडियो में मैं आपको कोई भी शेयर बाई सेल करने का रिकमेंड नहीं दे रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ नज़र रखने का आपको सलाह दे रहा हूँ। नेक्स्ट है दोस्तों, ऑब्वियसली यहाँ पे जब बात करेंगे रिलायंस इंडस्ट्री का, तो सेम टू सेम रीजन की वजह से दोस्तों ONGC के अंदर लास्ट डे ऑलमोस्ट शेयर 13% के आसपास दोस्तों क्रैश हुआ, कोई छोटा मोटा क्रैश नहीं, 13% के ऊपर हमें क्रैश देखने को मिला। ये भी निफ्टी 50 में आने वाला शेयर है। लास्ट एक महीने पे देखिए शेयर के अंदर थोड़ा थोड़ा रिकवर हो ही रहा था, जो कि अचानक से लास्ट डे पूरा का पूरा रिकवरी में यहाँ पे पानी फैल दिया। 6 महीने की बात करें तो शेयर के अंदर गिरावट रहा। तो डेफिनेटली दोस्तों यहाँ पे ONGC के ऊपर भी हम सभी का नज़र होना चाहिए कल के लिए। नेक्स्ट शेयर दोस्तों हमारे इसमें TCS। अब TCS के पीछे बहुत सारे रीज़न है, अब यहाँ पे मैं आपको TCS तो दिखा रहा हूँ, बट साथ साथ मैं आपको IT सेक्टर भी रिकमेंड कर रहा हूँ, क्योंकि एक तो NASDAQ के ऊपर लास्ट डे काफ़ी तेज़ी देखने को मिला, तो जिस वजह से IT सेक्टर के अंदर फिर से बहुत बड़ा रिकवर होने का चांस है। दूसरी पॉइंट ये है कि TCS का जो रिजल्ट है दोस्तों वो 8 जुलाई आपको देखने को मिलेगा। तो सारे व्यूअर्स को मैं हम्बल यहाँ पे रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिए। जब भी 8 जुलाई को कंपनी का रिजल्ट आउट होगा, शाम के बाद ही होता है, मतलब मार्केट आवर्स के बाद, तुरंत मैं आपको वीडियो के साथ शेयर कर दूंगा। तो TCS के ऊपर दोस्तों कड़ी नज़र होना चाहिए, क्योंकि शेयर के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा गिरावट हो चुका है, और लास्ट 2 हफ्ते के अंदर अगर हम बात करें देखिए शेयर धीरे धीरे ऊपर की तरफ अभी रिकवर आना भी शुरू हो चुका है, क्योंकि कंपनी का रिजल्ट आउट होगा तो डेफिनेटली यहाँ पे एक पॉजिटिव मूवमेंट आने का चांस है। अब देखिए बाई करना सेल करना वो आपके ऊपर है, बट नज़र जरूर रखना ये शेयर के ऊपर। नेक्स्ट है दोस्तों हमारे इसमें एवेन्यू सुपरमार्ट, डीमार्ट।
तो डीमार्ट के अंदर भी लास्ट कुछ दिनों से हमें गिरावट देखने को मिला, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो तो 5 दिन पे शेयर धीरे धीरे रिकवर हो रहा था, 3,500 पे रेजिस्टेंस फेस किया और फिर से देखिए यहाँ पे गिरावट हमें देखने को मिला हल्का फुल्का। लास्ट एक महीने पे शेयर काफ़ी हद तक गिरा। तो बेसिकली TCS का जिस दिन रिजल्ट आउट होगा ठीक उसके नेक्स्ट डे यानी 9th of July को दोस्तों डीमार्ट यानी एवेन्यू सुपरमार्ट का भी रिजल्ट आउट होने जा रहा है। तो इसका रिजल्ट भी इस बार बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो डेफिनेटली दोस्तों यहाँ पे उसका इंपैक्ट जो है जो कि यहाँ पे डीमार्ट के अंदर उसके पहले से आपको देखने को मिल जाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा गिरावट इस पर्टिकुलर शेयर के अंदर भी हो चुका है। आप देख ही सकते हो 6 महीने पे शेयर कितना गिरा। इवन अगर हम बात करें जब डीमार्ट अपना ऑल टाइम हाई पे चल रहा था जिसका नंबर ऑलमोस्ट 5,900 के आसपास यहाँ पे आप देख सकते हो इसका ऑल टाइम हाई है, वहीं से अगर हम कैलकुलेट करें तो शेयर आपको अच्छा खासा डिस्काउंटेड प्राइस में मिल रहा है। तो यहाँ पे मैं आपको बाइंग या सेलिंग करने का रेकमेंड नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे नज़र रखने का ही रेकमेंड कर रहा हूँ। नेक्स्ट शेयर दोस्तों हमारे लिस्ट में बजाज फाइनेंस। तो बजाज फाइनेंस के दोस्तों लास्ट डे हमने देखा मार्केट तो काफ़ी वॉलेटाइल था, पर उसके साथ साथ बजाज फाइनेंस एंड बजाज फाइनेंस का जो पेरेंट कंपनी है यानी बजाज फिनसर्व के अंदर काफ़ी अच्छा खासा हमें रिकवरी देखने को मिला था। बजाज फाइनेंस जहाँ पे 4% के ऊपर गेन किया था लास्ट डे, उसके साथ साथ बजाज फिनसर्व की लगभग 3.5% का गेन देखने को मिला। और इसके पीछे जो मेन एंड सबसे इंपॉर्टेंट रीज़न है कि बजाज फाइनेंस अपने ऑल FD के अंदर मतलब जो फिक्स डिपॉजिट है उसके अंदर काफ़ी अच्छा खासा हमें इंटरेस्ट के अंदर हाइक देखने को मिला, बढ़ा दिया गया। ऑब्वियसली ये जो कि बोल सकते हो कि ये जो कस्टमर्स हैं कस्टमर्स को बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा, तो जिस वजह से कंपनी का व्यापार बढ़ेगा ऑब्वियसली इसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट हमें आगे आने वाले कुछ क्वार्टर में जरूर देखने को मिलेगा। तो डेफिनेटली इस रीज़न की वजह से बजाज फाइनेंस के अंदर तेज़ी देखने को मिला। तो काफ़ी दिनों से शेयर गिर भी रहा था, तो डेफिनेटली यहाँ पे एक पॉजिटिव रिकवर आने का बहुत ज़्यादा चांस था। नेक्स्ट शेयर दोस्तों हमारे लिस्ट में आईटीसी लिमिटेड भी लास्ट डे हमने देखा था काफ़ी हद तक रिकवरी देखने को मिला था, जो कि सरकार का कुछ टैक्स वगैरह दोस्तों यहाँ पे कट किया, जिस वजह से बेसिकली इसको बहुत ज़्यादा यहाँ पे हेल्प मिला। जिस वजह से देखिए 5 दिन पे शेयर के अंदर धीरे धीरे जहाँ पे एक टाइम पे आईटीसी को लेके इतना ज़्यादा चर्चा हो रहा था मतलब होता था बहुत ज़्यादा यहाँ पे मीम्स बनता था आईटीसी से रिलेटेड, लास्ट 206 महीने पे आईटीसी दिखा दिया कि भाई हम वैसे नहीं हैं जो लोग बोलते हैं। अब देख सकते हो लास्ट 6 महीने दूर की बात है, 4 महीने के भीतर भीतर जहाँ पे मार्केट एकदम घिस रहा है नीचे की तरफ, वही आईटीसी की शेयर एकदम शाइन कर रहा है। अब देखिए लगभग 33% रिटर्न के साथ, वो भी अगर हम बात करें एक साल में दोस्तों सबको चौंका के रख दिया आईटीसी ने, 40% का रिटर्न दिया वो भी अच्छा खासा डिविडेंड के साथ, क्योंकि कंपनी दोस्तों डिविडेंड का बहुत ज़्यादा यहाँ पर बोल सकते हो सॉलिड डिविडेंड पे करते हैं अपने शेयर होल्डर को। तो डेफिनेटली आईटीसी के ऊपर भी हम सभी का नज़र होगा। कल शुरू करेंगे नेक्स्ट शेयर पे, बट उसके पहले दोस्तों अगर आपको वीडियो भी तक अच्छा लगा समझ आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर देना, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है इस टाइप की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके साथ शेयर करने में। लास्ट डे हमने देखा था अचानक से मुथूट फाइनेंस के अंदर भी काफ़ी तेज़ी देखने को मिला था, जहाँ पे शेयर पहुँच गया था 1,000 रुपये की लेवल ब्रेक करके नीचे, वही लास्ट डे 1,000 रुपये के जो इंपॉर्टेंट लेवल है उसको फ्री से ब्रेक करके यानी रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर लगभग 6.5% की तेज़ी के साथ क्लोजिंग दिया। तो कल भी दोस्तों मुथूट फाइनेंस के ऊपर हम सभी का नज़र जरूर होना चाहिए। लास्ट एंड फाइनल कंपनी दोस्तों FL इंडिया, जिसके अंदर लास्ट डे ऑलमोस्ट 4.5% की गिरावट रहा, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल के ऊपर क्लोजिंग दिया था 1,010 के आसपास। तो FL इंडिया के ऊपर भी दोस्तों हम सभी का नज़र होना चाहिए। ये सारे शेयर जो सारे सेक्टर मैं आपको रेकमेंड करूँगा जरूर नज़र रखना, बाकी बाय सेल करना वो आपके ऊपर है। तो इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ और सिर्फ नज़र रखने का ही रेकमेंड कर रहा हूँ। तो वीडियो कहीं पर वाइंड अप करता हूँ, वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक करके जरूर एनकरेज करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक ले टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।